अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मीठे कद्दू का हलवा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही फायदेमंद भी है। आइए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाता है। ये मैंने आधा किलो मीठा कद्दू ली हूँ। पहले हम इसके छिलके निकाल लेंगे। देखिए, हमें इस तरीके से छिलका निकालना है इसका। ये छिलका ज़रा जाड़ा होता है और ये देखिए, ये जैसे हरा हरा है ना, ये भी हमें नहीं रखना है, ये सब निकालना है। देखिए, इसके मैंने छिलके निकाल कर ले ली हूँ। अब हम इसके अंदर का भी हिस्सा इतना इतना काट देंगे। ज़्यादा नहीं काटना है, सिर्फ थोड़ा सा। ये देखिए, इस तरीके से हमें काटना है। देखिए, साफ कर कर हो चुका है। अब हम इसे पीस कर लेंगे। हमें जाड़े जाड़े ही पीस बनाना है, ये बहुत आसान तरीके से गल जाते हैं। देखिए, सारे मीठे कद्दू कट करके हो चुके हैं। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल दूंगी। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दी हूँ और इसमें डालूंगी एक गिलास पानी और इसे अब हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे हिलाते भी रहेंगे ताकि नीचे दाग ना लगे। देखिए, 10 मिनट पकने के बाद इसका पानी भी सूख चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी एक गिलास दूध और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। और मैं इसको दूध सूखने तक के पकाऊंगी। देखिए, इसमें दूध थोड़ा सा सूख चुका है और ये जो बड़े बड़े कद्दू है, अब हम उसको मैश करेंगे चम्मच की मदद से। हमें ऐसे अक्खे नहीं रखना है। देखिए, कद्दू अच्छे से मैश हो चुके हैं और दूध भी सूख चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी एक वाटी शक्कर और इसमें डालूंगी एक चम्मच इलायची पाउडर। अब इन सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए, माशाल्लाह कलर भी कितना अच्छा है, इसमें फूड कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम शक्कर घुलने तक के इसे पकाएंगे। देखिए, शक्कर अच्छे से घुल चुकी है। अभी मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए काजू, थोड़े से मनुके। अभी इसमें डालूंगी 50 ग्राम फिक्का मावा। हलवा पककर हो चुका है, अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह, मीठे कद्दू का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना मीठे कद्दू का हलवा कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।